होलिका दहन एवं रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से अजय यादव, कृष्णगंज वार्ड सागर। विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार कल्याण महासंघ का शुभारंभ किया, साथ ही महासंघ के लोगों एवं नाम पट्टिका का विमोचन किया। शुभारंभ के अवसर पर संगठन के संस्थापक मंडल ने स्मृति के रूप में महाकाल का छायाचित्र भेंट किया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार कल्याण महासंघ को हर प्रकार से सहयोग करने का विश्वास दिलाया। इनके अलावा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर श्रीमती विभा पटेल व जनसंपर्क आयुक्त राघवेंद्र सिंह ने पत्रकार कल्याण महासंघ के बैनर का शुभारंभ किया। सभी जनप्रतिनिधियों, नेताओं एवं अधिकारियों ने पत्रकार कल्याण महासंघ के सभी पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि महासंघ पत्रकारों के हितों के लिए संघर्ष करेगा और पत्रकारों को उनका अधिकार दिलाएगा। सभी पत्रकार साथियों के लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की कि पत्रकारों के हितों में यह संगठन आगे बढ़ेगा। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं शिव भारद्वाज जी, उन्होंने शिवराज जी सिंह जी के लिए एक ज्ञापन पत्र भी वहाँ पर दिया है। जो ज्ञापन पत्र उन्होंने शिवराज जी ने कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पत्रकार कल्याण महासंघ का बैनर लोकार्पण किया गया और इसी क्रम में माननीय गृह मंत्री नरोत्तम जी मिश्रा के द्वारा बैनर लोकार्पण किया गया। इस आयोजन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण जी शर्मा शामिल थे। ये संगठन जो जिसका निर्माण सभी पत्रकार साथियों ने मिलकर किया है और इस संगठन को हम लोग ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में संगठन का जो है बैनर लोकार्पण का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कराने का निर्णय लिया गया था और सौभाग्य से जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सहजता और सरलता का परिचय देते हुए हम लोगों को समय दिया गया और हम लोगों से मुलाकात की गई और हम लोगों के द्वारा बैनर लोकार्पण किया गया। हम जिस संगठन के लेकर आगे बढ़े हैं, हमारी रीति और नीति दोनों ही जो है अन्य संगठनों की तुलना में बेहद अलग बनाई गई हैं। हम लोग पत्रकार साथियों की मदद के लिए भी तैयार हैं और पत्रकार साथियों की समस्याओं के लिए भी लड़ने तैयार हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों ने जो है संगठन का निर्माण किया है और भविष्य में यह संगठन जिस गति से आगे बढ़ेगा वह अपने आप में एक अजूबा होगा, क्योंकि अभी तक जो है पत्रकार साथी जिस बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश में भी पत्रकार साथियों का एक बड़ा जो है बड़ी संख्या वाला हम लोगों के साथ में जुड़ेगी और ऐसी हम सभी उम्मीद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के लिए, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम जी मिश्रा के लिए और खास तौर से जिनके माध्यम से हमें वहां तक पहुंचने की रास्ता बना हुआ है, डॉक्टर सीता शर्मा जी के लिए जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस संगठन के लिए आप सभी पत्रकार साथियों को जिन तक हमारी ये आवाज़ पहुंचे उनका हम आह्वान करते हैं कि वो आएं और हमारे संगठन से जुड़ें।